अगली खबर आ रही है सागर से, जहां बचपन से सिविल सर्विसेज का सपना देखा, मास्टर डिग्री पूरी कर एमपीपीएससी की तैयारी भी शुरू की, लेकिन 2 साल पहले फिटनेस के लिए जिम पहुंची तो ट्रेनर ने पावर लिफ्टिंग करने की सलाह दी। ट्रेनर की बात पर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी और पावर लिफ्टिंग में अपना भविष्य तलाशने लगी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने लगी। यह कहानी सागर जिले की रहने वाली आयुषी अग्रवाल की है। आयुषी हाल ही में नागपुर में हुए नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीती हैं। यह चैंपियनशिप 12 से 16 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई थी। यह दूसरा मौका है जब आयुषी ने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब सागर की आयुषी एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। 27 वर्षीय आयुषी अग्रवाल परकोटा क्षेत्र की रहने वाली हैं। पिता अशोक अग्रवाल ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। आयुषी बचपन से ही अफसर बनना चाहती थी, वो एमपीपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। आयुषी ने बताया कि बचपन से वजन उठाने का शौक था, गैस सिलेंडर एक हाथ से उठाकर इधर से उधर रख देती थी। अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जिम ज्वाइन किया। जिम के ट्रेनर तरुण श्रीवास्तव ने उन्हें देखने के बाद पावर लिफ्टिंग करने की सलाह दी। उन्होंने पावर लिफ्टिंग की तैयारी के लिए बीना निवासी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सेलेन एडविन से मिलवाया। इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और देखते ही देखते प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए तैयार होती गई। आयुषी बताती हैं कि मेरे कोच सेलेन एडविन बीना में रहते हैं, ऐसे में मैं रोज सागर से बीना अप डाउन करती हूँ। रोजाना करीब 160 किलोमीटर का सफर भी तय करती हूँ। सुबह 7 बजे सागर से निकलती हूँ और 8:30 बजे बीना पहुँचती हूँ। 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ, 12:30 बजे वापस सागर लौट आती हूँ। इसके बाद घर की ज्वेलरी शॉप संभालती हूँ। पिछले करीब 2 सालों से यही दिनचर्या चल रही है। 2 साल में पावर लिफ्टिंग के लिए खुद को तैयार किया है। मेरा सपना देश के लिए पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने का है। आयुषी ने कहा, जब मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू की तो परिचित और कुछ रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई। माता पिता से कहते थे कि बेटी क्या कर रही है, बड़ी हो गई है, शादी कर दो, लेकिन माता पिता ने मेरा हमेशा साथ दिया। उन्होंने कहा कि अभी बेटी को जो करना है करने दो, बाद में शादी करेंगी। लेकिन अब मैंने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते तो विरोध करने वाले लोग ही घर आकर सम्मान कर रहे हैं और माता पिता को बधाई भी दे रहे हैं। पावर लिफ्टर आयुषी कहती है कि पावर लिफ्टिंग के लिए खुद को तैयार करने के लिए कभी भी नॉन वेज डाइट नहीं ली, हमेशा शाकाहारी डाइट लेती हूँ। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कभी भी नॉन वेज नहीं खाया, प्रोटीन दलिया और हरी सब्जियां ही खाती हूँ। आयुषी ने नागपुर के चंद्रपुर में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आयुषी ने ओवरऑल में 395 किलोग्राम का वजन उठाया। वहीं स्क्वाट में 155 किलोग्राम वजन में गोल्ड मेडल, बेंच प्रेस में 80 किलोग्राम वजन में सिल्वर, डेडलिफ्ट में 160 किलोग्राम वजन में गोल्ड मेडल जीता है। आप पहले एजुकेशन ले रही थी, फिर पावर लिफ्टिंग में जाने का टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपका? मेरी पीएससी की तैयारी चल रही थी, उस दौरान मैंने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया था। तो मेरा जो ट्रेनर है तरुण श्रीवास्तव, उसने मेरे इस टैलेंट को पहचाना था और वो मुझे फिर स्टैलियन सर के पास ले गए थे, जो कि बीना में है। वो खुद ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3री बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो उन्होंने मुझे इस जर्नी में बोला कि आयुषी तुम बहुत आगे जाओगी। फिर मैंने ये सफर चुना और आज मैंने 2री बार में ही गोल्ड मेडल हासिल कर लिया।